थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो बात करते हैं जीरोथ लॉ के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं डिटेल में नहीं कर रहे, अभी एग्जाम को देखते हुए एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं बस हम इस चैप्टर के अंदर उन्हीं की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन, पहली बात यहां से ये इंपॉर्टेंट है, किस पर बेस होता है आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये बेस होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जीरोथ लॉ की बात की थी वो किसको डिफाइन कर रहा था, आपका टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा था। तो इसके अंदर जो रिलेशन आती है हमारी डेल क्यू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, ये तो है आपकी क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, चेंज इन हीट वर्क इंटरनल एनर्जी। किसी सिस्टम को जब हम हीट देंगे तो वो क्या करेगा आपका वर्क करेगा, वर्क करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी इंक्रीज करेगी, और जो वर्क डन होगा वो किस में होगा आपका पॉजिटिव में होगा। और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो इंटरनल एनर्जी में दो मेन टाइप होती है, वो क्या क्या हो सकती है आपकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद कुछ प्रोसेस हैं, यहां से भी डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास वो क्या प्रोसेस है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके अंदर ये पूछ लिया जाता है क्या चीज कांस्टेंट है क्या चीज चेंज होगा, तो इसमें क्या है कुछ कंफ्यूज रह जाता है हमें कई टॉपिक कई जगह, तो इनकी हिंदी मीनिंग भी हम देख के उसको आसानी से पता लगा सकते हैं क्या कांस्टेंट है, उसके नाम से ही पता चल जाएगा। आइसोथर्मल मीन्स, थर्मल मीन्स किसकी बात करते हैं, जो भी आइसोथर्मल इसका मतलब होता है आपका समतापी, तो यहां पर तापमान जो कांस्टेंट क्या रहेगा आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। गैस की बात करते हैं इसके अंदर टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम, इन तीन ये तीन फैक्टर मेन है आपके, बाकी दो बच गए जो क्या बच गया आपका प्रेशर और वॉल्यूम, ये चेंज होगा और इसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ये किस पर बेस्ड है आपका बॉयल्स लॉ पर। उसके बाद आइसोबारिक की बात करते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस समदाब, समदाब क्या होता है आपका दाब जो होता है प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट होगा चेंज क्या होगा इसके अंदर आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम, इसमें क्या था टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था प्रेशर वॉल्यूम बचा था, यहां प्रेशर कांस्टेंट हो गया था टेम्परेचर वॉल्यूम बच गया। उसके बाद आता है आपका आइसोकोरिक, आइसोकोरिक क्या होता है आपका सम आयतनी, आयतन आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया बच क्या गया फिर आपका प्रेशर और टेम्परेचर, ये चेंज हो सकते हैं और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी डेल्टा जो वी होगा वो किसके इक्वल हो गया आपका जीरो के इक्वल। तो यहां से जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू, ये क्या आ गया आपका फर्स्ट लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ गया आपका डेल्टा डब्ल्यू। उसके बाद बात करते हैं हम एडियाबेटिक, एडियाबेटिक के अंदर क्या कांस्टेंट होगी आपकी हीट कांस्टेंट होगी, एडियाबेटिक के अंदर क्या कांस्टेंट होगी हीट, बाकी तीनों चीजें जो है आपकी पी वी और टी तीनों चीजें क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी। इसका मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट, जो बाहर से कुछ भी हीट ना अंदर आएगी और ना अंदर से क्या होगा आपका बाहर जाएगी। अब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लास्ट जो है इसमें जीरोथ लॉ कर लिया फर्स्ट लॉ कर लिया और लास्ट में अब आता है हमारे पास में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जो ऑल वर्क्स कन्वर्ट इनटू हीट, जो वर्क्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका हीट की फॉर्म में, बट ऑल हीट नॉट कन्वर्ट इनटू वर्क, ये क्या है आपका पॉसिबल नहीं है, ये क्या है आपका सेकंड लॉ के अंदर ये बात होती है। उसके बाद इसके अंदर क्या बात करते हैं हम हीट इंजन की, यहां से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं आगे जो टॉपिक है। हीट इंजन क्या है, हीट कन्वर्ट या हीट जो होगी वो क्या करेगी आपकी चेंज या कन्वर्ट किसमें वर्क में, ये किसकी बात करते हैं हम हीट इंजन की। तो
तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो किस तरह निकालते हैं हम, 1 माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन मल्टीप्लाई 100, ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद हम बात करते हैं क्यू टू है क्या और क्यू वन है क्या। ये हीट तो है, पर हीट क्या है आपका, एक क्यू टू जो हीट है ये सिंक की हीट है। किसकी हीट है आपकी, सिंक की हीट है। और क्यू वन क्या है यहां पर हमारा, सोर्स की हीट। क्या है, सोर्स की हीट। फिर उसके बाद इसी सीरीज को आगे कार्नोट से भी रिलेटेड है, एक्स ग्रुप एयरफोर्स में क्वेश्चन यहां से भी न्यूमेरिकल आए थे पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन का भी काम क्या होता है, जो हीट होती है उसको किसमें चेंज करता है, वर्क में चेंज करता है। एफिशियंसी जो कार्नोट इंजन की होगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन मल्टीप्लाई 100। यहां पर क्या है, जो क्यू टू किसके रिस्पेक्ट में, टी टू के रिस्पेक्ट में, क्यू वन किसके रिस्पेक्ट में, टी वन के रिस्पेक्ट में। क्यू टू क्या है आपकी, सिंक की हीट है। क्यू टू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सिंक हीट को। और टी टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंक टेम्परेचर को। क्यू वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोर्स हीट को। टी वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोर्स टेम्परेचर को। इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। फिर इसके अंदर ये पूछा जा सकता है, जो कार्नोट इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी एफिशिएंसी जो होगी टी वन और टी टू सिंक और सोर्स के टेम्परेचर पर डिपेंड होगी, ना कि किस पर डिपेंड होगी, वो वर्किंग सब्सटेंस पर। जो कार्नोट इंजन है वो किस पर डिपेंड नहीं करता, वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता। फिर ये रिलेशन थी, यहां से हम रिलेशन लिख सकते हैं, क्यू टू क्यू वन अपॉन क्यू टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है, जो हीट इंजन या कार्नोट इंजन है इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, वो किसके अंदर होगा आपका, रेफ्रिजरेटर। किसके अंदर, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन। थैंक यू। बाकी जो भी टॉपिक आगे बताता रहूंगा मैं।